तुम्हें पहली अपनी कमाई याद है जो पहली दफा हाथ में जी पैसे आए रमेश के अपने? हाँ याद है। क्या कितने आए थे? 6,000। हाँ क्या किया था? मैंने जमा किए थे पैसे। जमा तो किए थे लेकिन क्या कहाँ से कमाए थे? वही टीचिंग। अब तो आप 6,000 में शायद एक दिन में भी पता नहीं चलता कहाँ चले जाए, बहुत महंगाई होगी। लेकिन हाँ उस टाइम पे मैंने ऐसे किया था कि मैं करती थी कि 1,000 रुपए साइड पर 5,000 सेव कर लिया, फिर उस 1,000 रुपए पूरा महीना चलाती थी मैं कुछ ना कुछ करके। कंजूस वाकई हुई है आप? करना पड़ा और क्या करती मैं, हूँ नहीं वैसे मैं कंजूस। नहीं बचाती हूँ या हाथ में सुराख है? कुछ बीच का है, मतलब मैं शाख खर्च भी बहुत हूँ लेकिन मैं वो चीज़ तब तक खरीदती हूँ जब तक मेरे पास उसके दो बार पैसे ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी लेनी है, अगर 20 लाख की गाड़ी है तो तब तक मेरे पास 60 लाख या 40 लाख नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं लूंगी गाड़ी कि मतलब उसको मैं दो बार खरीद सकूं। क्या दो बार? समझे नहीं आप। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए ना तो मैं तब तक नहीं खरीदूंगी जब तक मेरे पास उसके दो बार खरीदने के पैसे ना। मतलब तुम डबल कहना चाह रही हो? हाँ, लाइक डबल पैसे ना उसके, टू वरना कोई पैसे नहीं है ना। 20 लाख पड़े हुए अगर आपके पास 20 लाख की गाड़ी ले आपका बैंक बैलेंस जीरो तो एग्जैक्टली तो 20 20 40 तो होने चाहिए कि आप 20 लाख की गाड़ी खरीदो। दैट्स माय जस्ट अ थ्योरी कह सकते हैं।